और 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट केस से जुड़ी खबरों पर अब बात करेंगे। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार। एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी करार। कोर्ट में आज सजा पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को माना बरेली दंगे का मास्टरमाइंड। 2010 में हुए दंगे में मुख्य आरोपी है तौकीर रजा। समन जारी, 11 मार्च को कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज। दमन की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग से हड़कंप। दूर से नजर आई फैक्ट्री से उठ रही आग की लपटें। फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पेट्रोकेमिकल कंपनी में आग लगी। धमाके के बाद उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग लगने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 लोग झुलसे। महाराष्ट्र के पालघर में एक कंपनी में लगी आग। तारापुर एमएसआईडी इलाके की घटना। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। छत्तीसगढ़ से श्रद्धालुओं को भेजा गया अयोध्या। राम मंदिर दर्शन के लिए रायपुर से किए गए खास इंतजाम। विशेष ट्रेन का एक कोच को दिया गया मंदिर का आकार। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं अपराध से जुड़ी खबरों। कल 6 राज्यों में पड़ी एनआईए की रेड्स। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल में छापेमारी। लश्कर ए तैयबा और जेल में कट्टरपंथ के प्रसार की साजिश से जुड़ा मामला। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम। कैफे के स्टाफ से जुटाई जानकारी। अभी भी पुलिस और एजेंसियों की पहुंच से दूर है सीसीटीवी में नजर आया संदिग्ध। बंगाल के संदेशखाली में ईडी टीम पर हुए हमले की जांच सीबीआई के पास। मंगलवार देर शाम सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ममता सरकार। ईडी का शाहजहां के खिलाफ बड़ा एक्शन। 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई जब्त। 14 प्रॉपर्टी में कृषि भूमि, अपार्टमेंट, मत्स्य पालन की जमीन, कुछ और बिल्डिंग भी शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जांच करने पहुंचे डीईओ के साथ कहा सुनी। हेडमास्टर पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंचे थे डीईओ अजय कुमार। कहासुनी के दौरान सिर में लगी चोट। राजस्थान में साल 2021 की पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा। हिरासत में टॉपर रहे नरेश समेत 15 लोग। पुलिस एकेडमी में ले रहे थे इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग। इंदौर में मंचलों की करतूत का सीसीटीवी सामने आया। मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ की कोशिश। सीसीटीवी में नजर आ रहे 3 मंचले। इंदौर में मंचलों को रोकने के लिए राहगीरों ने मदद की। विरोध करने पर मंचलों ने राहगीरों पर पत्थर मारकर हमला किया। पुलिस चौकी के सामने ये वारदात हुई। छात्राओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप। महिला शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अभिभावकों ने किया स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन। अभिभावकों ने हिंदी के शिक्षक पर लगाया आरोप। 10वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राओं को बुरी तरह से पीटा गया। लड़कियों के नाखून उखाड़ने की आरोप। शिक्षा विभाग कर रहा जांच। मॉडल तान्या का सुसाइड मामला। सूरत पुलिस थाने में पुलिस के सामने पेश हुए क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए थे आईपीएल के खिलाड़ी अभिषेक। और 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम के हाल से जुड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में बर्फ हटाने का काम जारी। जेसीबी मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। रोड पर गिरी हजारों टन बर्फ। मौसम विभाग ने 12 मार्च को तूफान आने की चेतावनी। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास हादसा। 2 कारों के आमने सामने की टक्कर। एक कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। कार चालक गंभीर रूप से जख्मी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।